अमृतसर विखे आम आदमी पार्टी वालों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई है, जिथे कि ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पहुंचे सन अते विद्यार्थियों का हौसला वधाया। इस मौके पर लालजीत सिंह भुल्लर के वलों की विरोधियों को तिखे जवाब भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विरोधियों का काम होंगे निशाना साधना, जेकर जमीनी हकीकत की गल की जाए तो साड़ी सरकार ने काम किए ने, कोई मुकर नहीं सकता। दूजे पास जिहड़ा PRTC दे विच औरतों नू मुफ्त बस सफ़र है उसनू लैके जिहड़ियां मुश्किल आ रही ने, उस मामले के उत्ते भी लालजीत सिंह भुल्लर ने यह गल आखी है कि लोगों तो दोबारा तो सलाह ली जाएगी। जेकर लोगों की सलाह के विच नतीजा निकल के सामने आता कि यह सफ़र बंद करना चाहिए तो उस तो बाद अजिहा कोई फैसला लोगों की सलाह के उत्ते सलाह मशवरा करके हो सकता है ले लिया जाए। होर की कुछ कहा इस मौके पर लालजीत सिंह भुल्लर ने, जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पंजाब के, आओ सुनते हैं। देखो, नौजवान रीढ़ की हड्डी होंगे किसी देश की, सूबे की ज इलाके की। नौजवानों ने जो भी अंदोलन कोई आया नौजवानों ने लैके आता। जे आप 1947 की गल करिए, देश की वंड वेले देश को याद कराने के नौजवानों दी वड्डियां कुरबानियां सन। सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, जिन्हें भी नौजवान आगू सन, उन्होंने आपदियां शहादतां दित्तियां ते साडा देश जिहड़ा वो आजाद होया। ते असल आजादी जिहड़ी असल आजादी वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब नूं हुण दवाई 2022 2024 च साडा भारत सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब तो मुख्यमंत्री ते श्री अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बन के 2024 दे विच असल आजादी सानू भारत नूं उदों मिलनी है जदों आम आदमी पार्टी की सारे भारत की सरकार। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज ते एलीगेशन लगा रही, कहिंदे सारा पंजाब का पैसा जिहड़ा आ दूसरे स्टेट से लगाया जा रहा, जहाजां दीआं फोटोआं दिखाई जा रही। बिक्रम सिंह मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे ने, वो कह रहे बहुत सारा पैसा पंजाब। देखो, जिहड़े विरोधी हुंदे उन्हां कोल प्रोपोगंडे तो बिना कुछ नहीं हुंदा, ते झूठ तो फ्रॉड तो बिना उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने को मुद्दे की गल कोई नहीं हैगी। जे कुछ सही हो रहा तो जमीन पर लोग तारीफ कर रहे, लोग वाह वाह कर रहे कि वाकई सरदार भगवंत सिंह मान ने पिछले 7 महीनों के उन्ने काम करते जिन्हें इन्होंने 75 सालों नहीं किए। जे करप्ट मंत्री ज कोई अफसर जिन्होंने हेराफेरियां की उन्होंने कार्रवाइया हो रही, ईडी दी रेटा ज विजिलेंस के अधीन केस जा रहे ता ही जा रहे, जे चंगी सरकार बनी है। जे कोई अगे भी गलत करेगा उहदे ते भी कार्रवाई होगी, किसी नूं गलत काम करने वाले नूं बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पहली बार हो रहा है जी कि जिहड़े सरकारी मुलाजम ने उन्हां दीआं तनखावां बहुत लेट हो रहियां, 14 तारीख नूं जिहड़ी सैलरी पै रही है। देखो, जिन्हें भी मुलाजम वीर ने साडे भैणां ते भरावां दी तरह ने, साडा फर्ज भी बनता कि जिहड़े काम करन साडे मुलाजम भैण भरा उन्हां दीआं तनखावां वेले सिर पैण। थोड़ी जी दिक्कत आई है साडे PRTC विभाग दे विच, उह आई तां थोड़ा जिहा जिवें साडा फाइनांस डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उन्हां दे सैक्टरियां दी किते ना किते आपस दे विच खिचो तान करके लेट होया। अगे तो इवें कदी नहीं होवेगा, उन्हां दे जिहड़े घर चलदे आ साडे मुलाजम वीरां दे, उन्हां दीआं तनखावां तो चलदियां। लेडीज़ दे करके नहीं फर्क पैण डिआ वी कुछ जिहड़ा ट्रांसपोर्ट घट जी जा रहा है? नहीं, वेखो लेडीज़ करके, वेखो इक जिहड़ा हैगा आपां ते माफ कीता सी, कैप्टन साहब ने ते माफ कीता सी, जिहड़े जिहड़ियां बजुर्ग जिहड़े नहीं जा सकदे वी जिन्हों को किराया नहीं हैगा भी, वो कुछ तो जी है टीचर भी है, कुछ दूसरे भी है, वो भी फ्री खाते कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह शुरुआत की। हाँ, फ्री लेडीज सफर भावें कोई नौकरी से आल ओवर सारे लेडीज का करता, ट्रांसपोर्ट का फर्क नहीं पाया, प्राइवेट कि नुकसान हो गया। ये सलाह ली जाएगी आम लोगों की, क्योंकि आम लोगों की सरकार आम लोगों की पार्टी आ, लोगों के हितों च ते हकों के विच खड़न वाले मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने, जो लोग कहणगे उहदे मुताबिक असीं फैसला लवांगे। जे वाकई लोग कहणगे कि सहूलत बंद होनी चाहिए आ ते असीं उहनां दे मुताबिक फैसला लवांगे। वेखो, पहली सरकार जिन्हें लोगों मुताबिक बजट बनाया, ये बजट जिहड़ा बनिया जिहड़ा पहली वार ये लोगों की राय नाल बनिया, लोगों ने राय दित्ती तो उहदे मुताबिक बनाया, गांह वी असीं लोग राय नाल चलांगे, जो लोग कहणगे उह करांगे।